नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा में अब बदमाशों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं और वो खुलेआम चोरी और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे एक मामला सामने आया है आगरा के सदर बूंदू कटरा थाने से, जहाँ कुछ बदमाश एक ज्वेलरी शॉप से लगभग 3 किलो चांदी, 1.5 लाख रुपए कैश और 50 ग्राम सोना लूट कर फरार हो गए। इस पूरी घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया, तो वहीं आगरा में हाई अलर्ट चेकिंग भी जारी है। बता दें कि घटना के बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है और सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की तलाश में जुट गई है। थाना सदर क्षेत्र में इरादत नगर रोड पर आउटर साइड में एक छोटी सुनार की दुकान पायल ज्वेलर्स के नाम पर है, जिस पर लगभग 2:45 बजे के लगभग दुकान में अकेले बैठे व्यापारी से दो जवान उनके लड़के आए और उनके द्वारा अंगूठी देखनी चाहिए। अंगूठी दिखाने उपरांत उनके द्वारा काउंटर पर रखे काउंटर के अंदर रखे 3 लाख रुपए, 3 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना ले गए हैं। सहारनपुर में विश्व परिवार दिवस के अवसर पर परिवार के बिना जीवन नहीं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अतिथि के रूप में समाज सेवी रवि बख्शी के साथ वेद प्रकाश पॉपली भी शामिल हुए। बता दें कि गोष्ठी में आए विशिष्ट अतिथि व्यापारी नरेंद्र सुरेंद्र मोहन कालरा ने परिवार का महत्व समझाया, साथ ही कोरोना महामारी के समय में परिवार के साथ होने का भी उदाहरण दिया। इसके अलावा गुलजारी लाल, एडवोकेट अशोक पोसवाल, प्रेम बिहारी बंसल ने भी विचार विमर्श प्रकट किए। कार्यक्रम का सफल संचालन वेद प्रकाश पोपली ने किया, तो वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन वेद प्रकाश पोपली ने भी किया। आज समाज कल्याण युवा संस्था द्वारा 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में परिवार के बिना जीवन अधूरा है एक गोष्ठी का आयोजन हुआ है। और इस गोष्ठी में हमारे सभी ने, बहन मीना शर्मा जी, मीना बजाज जी, गगनदीप जी, सभी ने अपने यही संयुक्त रूप से बात रखी है। पश्चिमी यूपी में किसानों के मसीहा और भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को उनकी 11वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही किसानों ने मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लिया और हर साल की तरह इस साल भी किसान जिला अस्पताल में किसानों ने स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान किया। हम आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की 11वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही, उनके पदचिन्हों पर चलने का आह्वान संकल्प लिया कार्यकर्ताओं ने। अब जनपद सहारनपुर के किसान सरकारी हॉस्पिटल में अपना सबसे कीमती शरीर में जो ब्लड है वो दान करेंगे। ये पहले से ही जनपद सहारनपुर की परंपरा है, जब भी बाबा टिकैत का जन्मदिवस या पुण्यतिथि मनाई जावे तो यहाँ के किसान उन्हें इतने प्यार करें कि अपना ब्लड दान करें। अब यहाँ से मीटिंग ख़त्म होगी, अब सभी कार्यकर्ता सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे, वहाँ पे ब्लड बैंक में अपना ब्लड दान करेंगे, जिससे एक मैसेज जाएगा कि किसानों के मसीहा स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जो सेना है वो अब भी वैसी है जैसे हमारे बीच में आप भी बाबा जी जिंदा हों। बीते 4 मई को केंद्रीय मंत्री साध्वी रंजन ज्योति और जिलाधिकारी अपूर्व दुबे की मौजूदगी में ससुरुख खतरी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत रविवार को पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने अपने 150 अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के साथ भिटौरा ब्लॉक के चौहट्टा गांव में नदी के पुनर्जीवित के लिए श्रमदान किया। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग श्रमदान में अपना योगदान करें, जिससे नदी को पुराने स्वरूप में वापस लौटाया जा सके। नदी के पुनर्जीवित होने से क्षेत्र के गाँव में सिंचाई के लिए पानी की किल्लत खत्म होगी। जनपद फतेहपुर में ससुर खदेरी नदी है जो कि बंद पड़ी हुई है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक जन आंदोलन सा चल रहा है। जिलाधिकारी महोदया के प्रयास से और इसमें तमाम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, गांव-गांव के लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, तमाम संगठन इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने भी इसमें जन आंदोलन में प्रतिभाग करने का निर्णय लिया और आज करीब 150 अपने रिक्रूट और सब इंस्पेक्टर CEO सबको लेकर के हम यहाँ पे आए हुए हैं और मुझे खुशी हो रही है कि इस नदी को पुनर्जीवित करने में हमने भी कुछ इसमें सहयोग किया और भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो निश्चित तौर पे हम इसमें सहयोग करेंगे।
हरदोई शहर का एक ऐसा मोहल्ला है जहां के लोग कई दिनों से पानी के लिए हाय हाय कर रहे हैं। पूर्वा वार्ड नंबर 22 इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रहा है। यहां 3 दिन से पानी का कोई भी दीदार नहीं हो पा रहा है, पानी मिलना मुश्किल हो गया है। बड़े हों या बच्चे, हर कोई सुबह शाम पानी के लिए कतार में खड़े नजर आ रहे हैं। खबरों की माने तो पाइपलाइन में खराबी के कारण ये किल्लतें हो रही हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक पाइपलाइन की समस्या को सुलझा नहीं पाया है। पूर्वा बुलाया था, पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। इस समय समझो दो दिन से पानी नहीं आ रहा है, लोग बहुत परेशान है। नल पे दो दो घंटे, तीन तीन घंटे जाम लग रही है। आदमी हर घर में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। सबसे पहले हम लोगों को पानी की ज़्यादा वो कर दिया जाए। कोई आया नहीं नगर पालिका? नहीं, अभी तक की तो कोई नहीं आया नगर पालिका से। हाँ, नमाजपुरवा मोहल्ला है, यहाँ पानी की बहुत तकलीफ है, पानी आता ही नहीं है, बच्चे सब परेशान। पानी मारे हम लोग तो पाए, बताओ सारा दिन हो गया पानी कोई पता नहीं। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? कम से मुझे 15 दिन से पानी नहीं आ रहा। कोई प्रशासन की तरफ से आया नहीं? कोई नहीं आया। शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत का टंकी का है पानी, हम लोग शिकायत करते हैं, कहते भैया आ जाएगा पानी, आ जाएगा, अब किससे कहाँ है। ये पानी की समस्या है जो बहुत पहले पड़ा था, उसमें भी 3 दिन से आज पानी नहीं आ रहा, और जो नई टंकी लगी उनमें तो आया ही नहीं अभी तक। एक दिन आया था थोड़ा सा पानी, तो कुछ लोग आए थे तो फोटो खींच ले गए थे, उस दिन से आज भी नहीं पानी आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक कर प्रदेश में कोरोना प्रबंधन की समीक्षा की। अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट और टीकाकरण की नीति के सफल क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश में कोविड पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 1097 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 138 नए केस की पुष्टि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशीनगर से लौटते समय शाम को अमौसी एयरपोर्ट आएंगे, वहां से सीधे मुख्यमंत्री आवास जाएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में सरकार के मंत्रियों से बातचीत करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री इसके बाद मंत्रियों के साथ रात्रि भोज कर वापस दिल्ली रवाना होंगे। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे अब पूरा हो गया है और लगातार 3 दिन तक चलने वाले ये सर्वे अब पूरी तरह समाप्त हो गए। तो वहीं सूत्रों की माने तो मंदिर परिसर में शिवलिंग मिले हैं। वादी पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने उक्त स्थान को सील करने का आदेश जारी किया। पीठासीन अधिकारी रवि कुमार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक शिवलिंग मस्जिद परिसर में पाया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है। तो वहीं CRPF कमांडेंट को आदेशित किया गया है कि वो उस स्थान को सील करें। अब ये कल कमिश्नर महोदय 17 तारीख को माननीय न्यायालय के समक्ष जब अपनी कार्रवाई संपादित करेंगे, अपनी कार्रवाई दाखिल करेंगे, उसके बाद ये कमिश्नर रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। उसमें सारे फैक्ट्स आ जाएंगे, क्या चीज़ मिला, क्या नहीं मिला, किन किन चीज़ों पर कमिश्नर कार्रवाई, सर सब कुछ आ जाएगा उसमें। अब ये उत्साह का कारण वही बता पाएंगे, हम नहीं बता पाएंगे उसके लिए। उत्साह की जहाँ तक बात है तो उत्साह सबसे बड़ा चीज़ होता है कि प्रचंड धूप में और ऐसे जगह पर कमीशन होना जहाँ पर धूप ज़्यादा लगे, तो अंत भला तो सब भला, इससे उत्साह भी है और कमीशन की। सहारनपुर में श्री साई परिवार समिति द्वारा ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए गर्मी से बचाव को लेकर प्रत्येक चौक चौराहों पर छाते की व्यवस्था की गई है, जिससे कि ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को इस चिलचिलाती धूप में थोड़ी राहत मिल सके। आपको बता दें कि साई परिवार समिति ने आगे बढ़कर बिना छाव वाली जगह पर छाते का इस्तेमाल करने का फैसला लिया है। साथ ही इस कार्य के लिए ऐसे चौक चौराहों को चिन्हित किया जा रहा है जहाँ छाव की व्यवस्था बिल्कुल ना हो। समाज सेवा के कार्य चलते रहते हैं, आज प्रशासन के साथ मिलकर हमने ये छाते की मुहिम चलाई है। कड़ी धूप में जहाँ जहाँ से सहारनपुर में ट्रैफिक संचालन होता है, हर चौराहे पर छाता लगाया जाएगा ताकि हमारे जवानों को ज़्यादा नहीं कुछ तो राहत मिल सके। PSI संजय कुमार सहारनपुर से, समाज सेवा परिवार समिति की ओर से छोटे जगह पर कुछ ऐसे काम किए जाते हैं, जैसे हर मंगल को भंडारा किया जाता है इन लोगों के द्वारा, एक ट्रैफिक केबिन बना के दिया है इन्होंने घंटाघर पर, और आज कड़ी धूप को देखते हुए हर चौराहे पर जहाँ पर क्या नाम हमारा जवान धूप में खड़ा रहता है, गर्मी की तपिश को देखते हुए 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है,
इन्होंने बड़े बड़े छाते ट्रैफिक पुलिस को दिए हैं ताकि जवान इनके नीचे खड़े होकर ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।